अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी साइमा इमरान। आज मैं आप लोगों को जॉनसन फेशियल के बारे में बताऊंगी। मोस्टली क्वेश्चन थे कि जॉनसन फेशियल के बारे में बताएं, हमने परचेज़ करना है, कैसा है, कैसे रिजल्ट्स हैं उसके। तो जॉनसन फेशियल के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं और इसकी यूज़ करने का तरीका क्या है और किस तरीके से यूज़ करके आप इसके बेस्ट रिज़ल्ट ले सकते हैं। जॉनसन फेशियल ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी आती हैं, लेकिन हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मेन ये हैं। जैसे कि ये देखें, ये ब्राइटनिंग फेस क्लिनज़र, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए क्लिनज़र, क्लिनज़र के बाद आपके पास फेस फ्रेशनर, ठीक है। फेस ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर, जैसे कि दूसरे फेशियल्स में टोनर्स होते हैं, तो यहाँ पे टोनर की जगह लिखा हुआ है फेस फ्रेशनर, लेकिन एक ही चीज़ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फेशियल है ये। उसके बाद फेस स्क्रब, और फेस स्क्रब के बाद हमारे पास रिलैक्सिंग मसाज क्रीम, और रिलैक्सिंग मसाज क्रीम के बाद आपके पास मास्क, इस तरह बड़े फॉर्म में भी हैं लेकिन पाउडर फॉर्म में भी हैं। मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, मैंने इसके अंदर सेव करके रखा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से होता है मास्क। इसको पानी के साथ मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये डे प्रोटेक्टिव, यानी कि जब आपने सारा फेशियल कंप्लीट करना है तो लास्ट में आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है और इसको रहने देना है, इसको आपने रिमूव नहीं करना। ये 50 ml की पैकिंग है। यहाँ पे इनकी पैकिंग का थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि ये जो क्लिनज़र है ये 200 ml की पैकिंग में है, और जो इनका फ्रेशनर है वो भी 200 ml की पैकिंग में है, और इसके अलावा जो स्क्रब है वो भी 200 ml की पैकिंग में है। और इसके अलावा ये इनका जो रिलैक्सिंग यानी कि मसाज क्रीम है वो भी 200 ml की पैकिंग में है। जस्ट इनका डे प्रोटेक्टिव जो कि हमने फेशियल के बाद लगानी है वो 50 ml की है। अब इसकी प्राइस का मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है मैंने लिया हुआ है। प्राइस आप कंफर्म कर सकते हैं मेकअप सिटी से, और कोशिश करें कि अच्छी जगह से इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें, जैसे कि मेकअप सिटी है, डिवॉटसन है, यहाँ से आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। और यहाँ से आप इनकी प्राइस भी कंफर्म कर सकते हैं, और इनकी छोटी, ये बड़ी पैकिंग है, इसमें छोटी पैकिंग भी है, छोटी पैकिंग की प्राइस कम है और बड़ी पैकिंग की प्राइस ज़्यादा है। ये ठीक है, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट हैं इस फेशियल के। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। कुछ लोग इसके साथ ब्लीच भी करवाना पसंद करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि इसका अपने ही इतना अच्छा रिज़ल्ट है, इसके साथ बेशक आप ब्लीच ना करें, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की हेयरी स्किन है, जिनकी बहुत ज़्यादा हेयरी है, जिनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लैक हेयर फेस पे नज़र आते हैं, तो वो कर लें। अदरवाइज़ इस फेशियल के साथ आपको ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा और एक्सपेंसिव फेशियल है, इसका फेशियल का फ़ायदा ये होता है कि स्किन पे स्किन ग्लोइंग तो होती ही होती है, उसके अलावा ये फेशियल आपका स्टे ज़्यादा करता है। कम से कम ये 2 माह स्टे करता है, 2 माह तक इसका रिज़ल्ट आपके फेस पे रहता है। तो जो व्यूअर्स जानना चाहते थे कि ये फेशियल कैसा है, इस फेशियल के बारे में बताया जाए, तो ये फेशियल बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। और कोशिश करें कि आप इस फेशियल को 6 मंथ के अंदर यूज़ करें। अच्छा, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि इस फेशियल की एक्सपायरी कहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर तो कहीं भी नहीं लिखी हुई है, देखें। ये एक पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है, जो मैं आप लोगों को बता दूँ। मतलब कई लोगों को नहीं पता होता कि देखें यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, देखें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है ना, ये जो ढक्कन बना हुआ है यहाँ पे, ये आपने 9 ml, ठीक है, 9 ml, इसका मतलब है कि हम इसको 9 महीने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 9 मंथ यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम इसको 9 मंथ यूज़ कर सकते हैं।
तो कोशिश करें कि जितना लिखा हुआ है आप उसी के अंदर इसको ख़त्म करें। अब ये है, इसको 6 मंथ यूज़ कर सकते हैं, 6 M लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जो फ्रेशनर है। उसके बाद ये है, इसको आप 6 मंथ यूज़ कर सकते हैं स्क्रब को। मसाज क्रीम जो है इसको आप कितना, इसको भी 6 मंथ के अंदर आपने यूज़ करना है। डे प्रोटेक्टिव क्रीम है उसको भी आपने 6 मंथ के अंदर यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी क्रीम अच्छी है जो कि हम डे में यूज़ करें या नाइट में यूज़ करें। इसी पैकिंग में इनकी नाइट क्रीम भी आती है और डे क्रीम भी आती है, इसी में इनकी नाइट क्रीम भी आती है और डे क्रीम भी आती है। तो आप ये डे क्रीम डे में यूज़ कर सकते हैं और नाइट क्रीम नाइट में यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप ये जॉनसन्स की यूज़ कर सकते हैं, नाइट एंड डे क्रीम, ये बहुत अच्छी है। और इसकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसकी कितने ML है, इसके रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके अलावा मैंने आपको इसकी एक्सपायरी भी बता दी। अब जो एक्सपायरी लिखी हुई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 मंथ इसको इससे ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि इसको यूज़ ना करें, क्योंकि एक्सपेंसिव फेशियल है, इसके रेट्स भी ज़्यादा हैं। आप करवाने जाएं सैलून में 7,000-8,000 में आपको ये फेशियल किया जाता है। जिन पॉलर्स में ज़्यादा क्लाइंट हैं जॉनसन्स फेशियल के, तो आप परचेज़ करें और इसको रखें, क्योंकि इसको हम मुसलसल यूज़ नहीं कर सकते, इसकी एक्सपायरी डेट इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इसको साल के अंदर अंदर आपने इसको ख़त्म करना ही करना है फेशियल को। तो जिन पॉलर्स के क्लाइंट इतने ज़्यादा हैं, जिन पॉलर्स में जॉनसन्स फेशियल की यूज़र ज़्यादा हैं, वहाँ वो लोग ज़रूर इस फेशियल को बाय करें और रखें। और जिसमें ये क्लाइंट्स नहीं है, यानी कि क्लाइंट्स इतना पे नहीं करते, तो उनको मेरा यही मशवरा है कि वो ये वाला फेशियल ना रखें, क्योंकि फेशियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं आपको इसका राउंड अबाउट थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इसके इम्प्यूल्स भी साथ होते हैं, यानी कि राउंड आप ये समझ लें कि 40 से 45 और 50 के दरमियान ये आपको फेशियल मिलता है जब आप इसको परचेज़ करेंगे। तो इतना एक्सपेंसिव फेशियल, और अगर आपके पास क्लाइंट ना हो जो ये करवाएं, तो फिर ये आपका ज़ाया जाएगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए करें। हम आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, और आप लोगों से यही डिमांड है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए करें, लाइक कर दिया करें, हो सके तो शेयर कर दिए करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बज़रिया मैसेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।